Students, I'm Ajay Pulsar from Vekanon Senior Secondary School Bani. Now start the next topic of class 7th subject science. Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. आपने क्या करना अपनी एक middle finger अपने right hand की inner side पे रखनी है कलाई पे रखनी है. कैन यू फील सम ट्रोबिंग मूवमेंट? क्या आपको ट्रोबिंग मूवमेंट धक धक की आवाज सुनाई देती है? व्हाई डू यू थिंक देयर इज ट्रोबिंग? आप यहाँ पे क्यों ट्रोबिंग की मूवमेंट आ रही है? दिस ट्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स. इस ट्रोबिंग मूवमेंट को पल्स कहते हैं, अपनी नब्ज कहते हैं. एंड इट इज ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज. और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है. काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन वन मिनट. वन मिनट के अंदर कितनी बार पल्स बीट करती है आप उसको काउंट करो. हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? आप कितना काउंट करोगे? द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट. और एक मिनट के अंदर कितनी बार पल्स ट्रोबिंग साउंड प्रोड्यूस करती है उसको पल्स रेट बोलते हैं. A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. Find other place in your body where you feel the pulse. Record your own pulse beat per minute and those of your classmate. पहले अपनी पल्स बीट मेजर करो, फिर अपने क्लासमेट्स की मेजर करो. Compare the value obtained and insert them in table 11.1. तो अपनी 11.1 table को fill करो pulse rate से, name लिखकर student का. Vein are vessels which carry carbon dioxide rich blood from all part of the body back to heart. हमने कल arteries के बारे में किया था. arteries का क्या काम था? arteries के अंदर oxygen rich blood होता है, वह blood जिसके अंदर oxygen present होती है, और वो heart से लेकर artery पूरी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन को अपने अंदर घोल कर पहुंचाती है. और वेन क्या करती है? पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर हार्ट तक पहुंचाती है. The vein have thin walls. वेन की जो वॉल होती है वो थिन होती है. देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट. तो जो वेन होती है उसके अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण जो ब्लड है वो वापस फ्लो नहीं करता, डायरेक्ट हार्ट की तरफ आता है. तो ये डायग्राम है हार्ट का, आपने बनाना है सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ हार्ट. ओके, दिस इज द हार्ट. हार्ट से ये देखो वेन जा रही है. ये वेन कहाँ पे जा रही है? पूरी बॉडी के अंदर. ये कैपिलरीज लिखी है, इसका मतलब बॉडी के अंदर छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, उनको कैपिलरीज बोलते हैं. हार्ट से पूरी बॉडी, ये देखो पूरी बॉडी से वेन के द्वारा हार्ट पे, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जा रहा आर्टरी के द्वारा, और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के पास, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के पास. तो इस तरीके से आपका सर्कुलेशन कंप्लीट होता है. ओके, तो ये आपने डायग्राम जरूर अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है. I am confused. I have learnt that arteries always carries oxygen rich blood. उन्होंने बोला मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि जो arteries है always carries oxygen rich blood. But एक artery ऐसी होती है जिसके अंदर carbon dioxide rich blood होता है. पहली explain that pulmonary artery carry blood from the heart, so it is called artery, not a vein. It carry carbon dioxide rich blood to the lungs, and pulmonary veins carries oxygen rich blood from the lungs to heart. अब ये देखो heart से lungs के पास गया ना blood, तो lungs का काम क्या? oxygen को add करवाना. मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऐसा ब्लड होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लंग्स ऑक्सीजन नहीं होगी, और लंग्स उसमें ऐड करके ऑक्सीजन वापस हार्ट के पास भेज देंगे पल्मोनरी वेन्स के द्वारा. तो इस तरीके से सर्कुलेशन कंप्लीट होता है.
Refer to Figure 11.3. Do you see the artery divide into smaller vessels? On reaching the tissue, they divide further into extremely thin tubes called capillaries. उन्होंने बोला है कि जो arteries और veins होती है, वो आगे बहुत ही ज़्यादा पतली-पतली vessels के अंदर tubes के अंदर divide हो जाती है और हर एक tissue को हर एक cell को आगे जाके क्या क्या देती है वो ब्लड देती है दैट इज नोन एज कैपिलरीज द कैपिलरीज जॉइन अप टू फ्रॉम वेन्स व्हिच एम्प्टी इनटू द हार्ट उन्होंने बोला कैपिलरीज आर्टरी से भी कनेक्टेड होती है और वेन से भी कनेक्टेड होती है तो आज हम इतना ही करेंगे आपने इसको अच्छे से पढ़ना है जितना आज डिस्कशन करवाया है अच्छे से इसको काम करना है और आपको पिछले जो सारे चैप्टर्स हैं जो पिछले 10 चैप्टर उनके सभी के क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए गए हैं ग्रुप के अंदर तो वो सभी ने क्या करने उस चैप्टर सभी 10th चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर आपकी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट होने चाहिए क्योंकि जब भी स्कूल लगेगा तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन आंसर चेक किए जाएंगे और किसी भी बच्चे का कोई एक्सक्यूज नहीं लिया जाएगा कि हमने ये नहीं कंप्लीट किया ओके तो ये आपका वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए 10th चैप्टर तक और जब ये 11th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आएंगे ये भी आपकी नोटबुक पे होने चाहिए तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ बाय